ओह, आई एम सो सॉरी मेरा माइक ही बंद था वैसे मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला मैंने सिर्फ इतना ही बोला वाह पापियो. <coughs> देखो मतलब तुम तुम्हारा नशा देख रहे हो किस तरीके से चढ़ा मैं माइक तक ऑन करना भूल जाता हूं मतलब इतना प्यार तुम्हारे मां बाप के अलावा किसी ने किया है तुमसे जीवन में बताओ मेरे को सवाल इच्छ नहीं है हाँ भाई हाँ ये जुलाई पे आता हूं मैं यार कल बहुत परेशान कर दिया लोगों ने मेरे को मैसेज कर करके कर कर मैं बात करता हूं जुलाई के बारे में बापरे यीश्री इतना सुबह सुबह क्या लिख रही भाई हाँ ना कल आपका कितना साल हो जाएगा अब मैम आई कम्पलीट ट्वेंटी वन सो आइल बी ट्वेंटी टू आई एम वेरी सैड क्योंकि मेरा इक्कीसवा साल चला गया मैं बाईस साल का हो जाऊंगा कल पूरा <coughs> बस दाढ़ी पे मत जाना बहुत मेहनत लगी इसको ग्रो करने में ओह की कुछ बोलो चिराग से ज़्यादा सेक्सी है <laughs> ये अलग मैं प्रेम की दीवानी हूँ टाइप्स <laughs> हार ना दीदी <laughs> मतलब आर्ग्यूमेंट भी है क्या उसमें है ना आप बोलो तो एक पोलिंग करवा लें हंड्रेड परसेंट उसी आना है, है? <laughs> चलो थैंक यू सो मच यार इतने क्यूट लोग हैं ना यार सब <laughs> हाँ ना वो वे रिमाइंडर का भी उन लोगों ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला भाई मेरे दोस्त इतना जलते ना मुझसे बहुत नेक्स्ट लेवल जलते वो लोग यार बोलते क्या है तुम लोग है यार कुछ भी होता है साला स्टोरी आ जाती है कुछ भी होता है स्टोरी आ जाती है कुछ ओकेजन नहीं है तो भी ये लोग ओकेजन बना देते हैं तो थैंक यू यार <laughs> आप लोग की वजह से मेरे को बहुत भाव मिलते हैं सही में बोलते मैं इतना डिजर्व नहीं करता हूँ बट ठीक है बहुत भाव मिलते हैं मेरे को सब लोग बोलते हैं अरे अरे बहुत भारी का आदमी है बहुत बड़ा आदमी है <laughs> उनको क्या पता है सलाडमो लेना पड़ रहा है अभी भी यूट्यूब पर दिन देखो आप कैसे मैं क्यूट डेस्ट टू यस मैं आपका जो कंपटीशन है थैंक यू मैम साक्षी जी इस बार आपको फीस में डिस्काउंट है व्हेन विल पेन ड्राइव लेक्चर डिलीवर पेन ड्राइव लेक्चर डिलीवर ऑलरेडी गॉन यू विल रिसीव हाँ भैया <laughs> चलो भाई सब थोड़ी सी पढ़ाई कर ले <clears throat> हाँ यार अब मैं दो चार बातें पहले आपको बता देता हूँ है ना अच्छा यार मेरे को लगता है कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ना सिर्फ अभी एक ही क्वेश्चन मेरे से पूछेंगे कि सर जुलाई के एग्जाम्स का क्या है है ना वो सी इंस्टीट्यूट ने अनाउंसमेंट कर दिया तो अपना इंस्टीट्यूट भी अनाउंस कर देगा ऐसा बहुत लोगों को लग रहा होगा कि उन्होंने जुलाई में एग्जाम रखी है तो अपनी भी अगस्त में एग्जाम हो सकती है यार मैं अभी भी बोल रहा हूँ ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं अगर आप मेरे से दिल से पूछोगे ना कि क्या जुलाई में एग्जाम हो सकती है मेरे हिसाब से सही में नहीं हो सकती क्या अगस्त में एग्जाम हो सकती आई पर्सनली फील नहीं हो सकती मैं तो अभी स्टिल आई एम ऑफ द सेम व्यू एग्जाम नहीं हो सकती है बट एनी वे मतलब इफ़ यू टू टेक दैट फैक्ट इन टू कंसिडरेशन की उन्होंने डिक्लेयर की तो हमारी भी हो सकती है पॉसिबिलिटी ज़रूर रहती है बिकॉज ऑब्वियसली सब कुछ उनके हाथ में अपने बोलने से यहाँ पे कुछ नहीं होता है अपन लोग लाख कितना भी डिस्कस कर लें पर अगर एग्जाम होती है जैसे यहां पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ग्रुप टू से ग्रुप वन में आए हैं है ना उनका सबसे बड़ा कंसर्न है जो अभी जून में ग्रुप टू देने वाले थे और क्योंकि एग्जाम्स आपकी पोस्टपोन हो गई सो उन्होंने देव स्टार्टेड विथ ग्रुप वन ये सबसे मेन कंसर्न रहेगा उन्हीं स्टूडेंट्स का बाकी को तो ठीक है चिंता करने की जरूरत ही नहीं है तो मैं पर्सनली मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे क्योंकि उनका क्वेश्चन ये होगा सर हमारी ग्रुप वन की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और फिर ऑब्वियसली uh, वन तो कंप्लीट नहीं होगा तो एग्जाम हमको ग्रुप टू की देना है तो उसकी पढ़ाई हैम्पर ना और ग्रुप वन साथ में कैसे करें तो मैंने जब ये बैच स्टार्ट किया था ना अपन लोग जब एक बार अपने क्लास के मतलब ये ऐप पर मिले थे तभी मैंने आपको बोला था कि जैसे ही इंस्टीट्यूट का अनाउंसमेंट आता है कि आपकी एग्जाम्स है विल स्टॉप योर लेक्चर्स हम लोग लाइफ बैच रोक देंगे है ना ये लाइफ बैच किसके लिए रोकेंगे सुनो मेरी बात तुम कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना जो सी 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 वाले हैं उनकी बैच चलती रहेगी है ना जो सी एसई टी से पास होकर अभी एग्जीक्यूटिव में आए आपकी बैच चलती रहेगी आपकी बैच विल नॉट स्टॉप डिसंबर अटेम्प्ट के लिए और जो एक्जीक्यूटिव के ग्रुप टू से ग्रुप वन में आए लाइफ बैच वो की बात कर रहा हूँ मैं रिकॉर्डेड वालों की बात ही नहीं कर रहा हूँ ठीक है रिकॉर्डेड वालों के इस पर तो एनी वे लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे रिकॉर्डेड वालों को सिर्फ जब वो वीडियो लेक्चर्स खरीदते हैं उनको जून 22 तक की वैलिडिटी खरीदनी इतना सिंपल है राइट right? तो एनी anyway वे आपके लेक्चर्स वो जून 22 तक चलते रहेंगे प्राइस सेम ही है तो जो लाइव बैच वाले स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास हम लोग वहीं के वहीं रोक देंगे है ना सो दैट यू डोंट लूज एनी थिंग ऑन मॉड्यूल टू ओके उसकी क्लास वहीं रोक देंगे आपकी और जैसे आपकी एग्जाम्स होती उसके है उसके बाद वापस से अपन लोग क्लासेस रिज्यूम करेंगे ठीक है आई होप दिस इज क्लियर सो आपका नुकसान नहीं होने देंगे कि किसी भी कीमत पे ऐसा नहीं होगा कि और अलग अलग बैचेस ऑब्वियसली फिर जो ईटी के बाद वाले उनकी बैचेस तो कंटिन्यूशन में चलती रहेगी और जो एग्जीक्यूटिव वाले विल स्टॉप द क्लासेस और आपके अगर एग्जाम सपोज कैंसिल हो गई कि नहीं हो रही है। या फिर अगर हो गई तो उसके बाद जैसे जो भी दोनों में से एक फॉर्मल अनाउंसमेंट आता है उसके बाद विल स्टार्ट अगेन है ना आई होप दिस इज क्लियर जो बहुत मॉड्यूल्स दे रहे हैं दिसंबर में उनकी बाद में होगी मॉड्यूल वन की हाँ मतलब सेम ही है ना एग्जीक्यूटिव वाली ही होना अल्टीमेटली ईटी के बाद वाले तो नहीं हो मतलब आप ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव में हो जिसका बूथ मॉड्यूल्स का एडमिशन है या जिसने पहले मॉड्यूल टू में एडमिशन लिया मॉड्यूल वन में एडमिशन लिया एक ही बात है ना वो तो दोनों के लिए सेम ही रूल अप्लाई होता है हाँ जो दिसंबर में दोनों मॉड्यूल्स दे रहे हैं उनकी क्लासेस तो वैसे भी चल रही है ना उनको कंफ्यूजन ही क्या है जो अभी अगस्त में एग्जाम देने ही नहीं वाले थे वो ईटी e. वालों के साथ पढ़ते रहेंगे उनकी ग्रुप वन की क्लासेस तो चलेगी ना सो so, आपका नुकसान कुछ भी नहीं किसी का भी कुछ लॉस नहीं हो रहा है ना उस केस में आगे ना समझ में और मेरे को मैसेज करना मत है ना किसी ने अगर मेरे, मेरे को पर्सनली मैसेज ब्लॉक कर दूंगा तुमको कल मैं नहीं नहीं करके तुमको बोल रहा हूं ईमानदारी से मैंने चार सौ मैसेज रिप्लाई किए होंगे सालों को किसी इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन मतलब हमारा जीना हराम कर देते लोग यार तो मैसेज मत करना मेरे को तुम लोग है ना आई होप दिस इज क्लियर चलो तो यार ये पहली बात थी अच्छा अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे की महत्वपूर्ण बात तुमको बता देता हूँ भाई डेमो खत्म अपने है ना लास्ट डेमो है अब चार दिन में तुमको समझ में आ गया होगा कि हमको पढ़ाना आता है कि नहीं आता है है ना वैसे कुछ लोगों को पहले से पता था हमको पढ़ाना आता है कुछ लोगों को डाउट था तो आई होप हम लोगों ने बता दिया आज लास्ट और पढ़ा देता हूँ तुमको उसके बाद अब उसके बाद मैं सर और डे एमो दो और डेमो एमो और 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 कुछ नहीं है है ना दिस इज नॉट अ फ्री बैच हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था भाई ये कोई फ्री बैच नहीं है सो so, इसके बाद एक दो दिन हम लोग नॉर्मली आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए देते हैं स्टूडेंट्स को एंड फ्रॉम मंडे विल स्टार्ट द लेक्चर्स ऑन दी ऐप ठीक है सो so, मंडे से हिन्सपोथ आपके सारे के सारे लेक्चर्स ऐप पर शिफ्ट हो जाएंगे और ऑब्वियसली uh, जैसे जैसे एडमिशन होते जाते हैं वी एड देम टू द ग्रुप्स व्हाट्सएप ग्रुप और फिर आपको ऐप आप डाउनलोड करवा देते हैं आपको बैच असाइन करते हैं सो दैट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम ठीक है कुछ लोगों ने ऑलरेडी वो प्रोसेस किया है जो ग्रुप टू वाले हैं उन लोगों ने वो प्रोसेस ऑलरेडी इनकाउंटर किया है पहले सो so उसके बाद आपके सारे के सारे लेक्चर्स ऐप पे स्टार्ट हो जाएंगे आई होप दिस इज क्लियर है ना अब मेरी जान मत खाना कुछ भी घटिया क्वेश्चन पूछ के <laughs> या अब पढ़ा दू मैं चल भाई तीसरी क्या क्वेश्चन का आंसर कर रही थी बहुत लंबा सा कुछ लिखा था वी गो फॉर ऑप्ट आउट ऑप्शन मैम अगर ऑप्ट आउट किया तो फिर भी आपका दो चीजें ना एक कॉमन सेंस लगाओ ना आप एक बैच चल रहा है एक बैच नहीं चल रहा है सो so, अगर आपने ऑप्ट आउट किया तो बैच चल रहा है उसमें कंटिन्यू करोगे अगर आपने ऑप्ट आउट नहीं किया तो जो बैच डिसकंटिन्यू हो गए बाद में कंटिन्यू होगा उसमें कंटिन्यू करोगे तो लेक्चर्स तो आपके चलेंगे ही ना आपका नुकसान नहीं होगा मेरा कल का वो अनलिस्टेड वाला डाउट हाँ मैम मैत्री जी याद है ना वो मैं आई टेक केयर ऑफ दैट चलो प्राइवेट कंपनी अपनी टेबल अडॉप्ट नहीं करती एज इट प्रिपेयर ओन आर्टिकल्स अरे बाबू वही तो मैं पूछ रहा था कि क्यों वो टेबल अडॉप्ट नहीं करती है है ना अब वो पहले उसका आंसर आपको बता देता हूं फिर अपन लोग आगे चलेंगे फंक्शन एंड रूल्स इंक्रीज एफिशियंट बहुत ही घटिया आंसर था प्राइवेट कंपनी मेक देर ओन दैट्स वाई दे डोंट फॉलो टिप ओ क्या ब्यूटीफुल आंसर किया अरे भाई मैंने ये पूछा था आपसे कि प्राइवेट कंपनी को आर्टिकल्स बनाना कंपलसरी है ऐसा क्यों आंसर <laughs> दे रहे हो क्योंकि प्राइवेट कंपनी हमने खुद के आर्टिकल्स बनाती है इसलिए उसको ऑप्शन नहीं है अरे ये किस टाइप का आंसर है ये तो क्वेश्चन था अब आंसर क्या है वो बता देता हूं <coughs> सर जो कल कंट्रोल पढ़ा था उसमें कंट्रोल रिक्वायर सिर्फ शेयर्स के बेसिस पे ही करते हैं कोई और भी बेसिस है बालिक है कल जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना नारायण मूर्ति का उसमें शेयर्स तो थे ही नहीं है ना शेयर्स तो 0.4 परसेंट ही था 0.4 फोर परसेंट पर तो आप किसी भी रैंडम पर्सन को जाके पूछ लो कंट्रोल आता है क्या कोई भी होगा नहीं सो कल जो आप पढ़ रहे थे ना वो पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस के बेसिस पे था है ना हाँ नीतीश जी इट वाज अ गुड ट्राई आपने आई एम श्योर गूगल से पढ़ा वहाँ से कॉपी किया और इधर ला पेस्ट कर दिया बिल्कुल सब बच्चों के मुँह पे मारा अब सही आंसर सुनते हैं वेरी गुड यार मुस्कान है ना परफेक्ट आंसर दिस वॉज एक्सपेक्टेड मतलब गूगल भी करो तो अच्छा तो गूगल करो ना या yeah, ये परफेक्ट आंसर है प्राइवेट कंपनी को आर्टिकल्स बनाना कंपलसरी है क्योंकि प्राइवेट कंपनी के केस में रेस्ट्रिक्शन होते हैं है ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उसके आर्टिकल्स में कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं कौन से रेस्ट्रिक्शन होते हैं सर तीन रेस्ट्रिक्शन पढ़े हैं आप लोगों ने डेफिनेशन में सब लोगों ने पढ़े हुए हैं पहला रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है ना राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर दूसरा एक्सेप्ट ओपीसी लिमिट द नंबर ऑफ में टू टू हंड्रेड एसेप्ट पासेंट एम्प्लाइज थर्ड प्रोबिट्स इन्विटेशन टू सबक्राइब टू दिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी तीन रेस्ट्रिक्शन होते हैं राइट right? सो so, क्योंकि ये तीन कंडीशन हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आर्टिकल्स में होनी ही चाहिए इसीलिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आर्टिकल्स बनाना कंपलसरी है राइट right? सो so, ये सही आंसर था ओके एंड आई थिंक मुस्कान हेज कैनिट ओके इट इज एन नेसरी फॉर प्राइवेट टू हैव इट्स ओन चलो हाँ आई होप वो वाला फंडा क्लियर हो जाएगा अच्छा ये डेफिनेशन अभी मेरे को पढ़ानी मैंने आपको पढ़ाई नहीं अभी तो हम लोगों ने कंपनी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी स्मॉल ओपीसी गवर्नमेंट फॉरेन अभी तो आए नहीं उस पर वो आप स्टार्ट करेंगे अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ना ये सिर्फ बेसिक्स है।, है ना ये सिर्फ कंपनी लॉ के बेसिक्स हैं क्योंकि वर्ड्स में हेन्सफोर्थ काफी बार यूज करूंगा सो so एटलीस्ट आपको इन वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए सो लेट स्टार्ट फ्रॉम वेर वी स्टॉप यस्टरडे कल हम लोग प्रमोटर की डेफिनेशन पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन देखी थी फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि जिस किसी का भी नाम आपने कंपनी के ऑफर डॉक्यूमेंट या फिर एनुअल रिटर्न में स्पेसिफाई किया वो कंपनी का प्रोमोटर है मतलब आपने जिसे भी डिक्लेयर किया कि भाई ये कंपनी का प्रमोटर है सो लॉ प्रिज्यूम करता है कि वो कंपनी का प्रोमोटर है ऑब्वियसली आपने उसका कंसेंट लिया होगा सो so ये पहली कंडीशन पढ़ी थी सेकेंड एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी है ना सो so, जहां पर अगर उस इंडिविजुअल का कंट्रोल है पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग करती है जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डिसीजन कंपनी लेती है उसमें अगर उसका कोई से है मतलब उसके कंसेंट के बिना या उसकी एडवाइस के बिना कंपनी वो एक्टिविटी नहीं करेगी राइट सो so, हम लोग बोलते हैं वो इंडिविजुअल कंट्रोल एक्सरसाइज करता है कंपनी के ऊपर राइट अच्छा अब दिस में बी बिगज ऑफ योर शेयर होल्डिंग या तो शेयर होल्डिंग की वजह से हो सकता है और अदरवाइज वेन ऐसे और अदरवाइज मतलब जो अपन लोग कल पोजिशन ऑफ इंफ्लुएंस की बात कर रहे थे ना अच्छा ओके ओके स्क्रीन लगा दिया लगा लगाया लगाया लगा सारी 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 ये सब तुम्हारे प्यार का नशा है इसलिए कितनी गड़बड़ होती है देखो दिख रहा है तुमको या yeah. सो so, या तो वो शेयर होल्डिंग की वजह से होता है है ना या तो वो शेयर होल्डिंग की वजह से होता है या फिर दूसरा और अदरवाइज और अदरवाइज उसका मतलब क्या होता है कि फॉर एनी रीजन यू नो मतलब uh, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें होता है पोजिशन ऑफ इन्फ्लुएंस कि आपकी पोजिशन इतनी कट्टर है कि आपसे पूछे बिना कोई कुछ करता ही नहीं राइट तो हम लोग बोलते हैं आपका कंट्रोल है ठीक है आपका कंट्रोल है लो जी सो ये सेकेंड सिचुएशन थी आगे देखो थर्ड देखो ये पॉइंट हम लोगों को कल डिस्कस करना था एज पर हुशन बोर्ड इज अस्टम टू एक्ट एज पर बोर्ड इज अस्टम टू एक्ट है ना मतलब जो आपने बोला वैसा बोर्ड ने किया जो आपने बोला वैसा बोर्ड ने किया इस बॉडी मेनबा एज पर बोर्ड इज अस्टम टू एक्ट है ना बोर्ड इज अस्टम टू एक्ट मतलब क्या है बोर्ड आपके हिसाब से काम करता है जैसा आप बोर्ड को डायरेक्ट करोगे जैसा आप डायरेक्टर्स को डायरेक्ट करोगे वैसा वो अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं अच्छा इसमें ना एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट अब यार जब मैं आपको कुछ केसेस पढ़ाऊंगा ना तो इस पर केसेस आपको सिखाता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट इन प्रोफेशनल कैपेसिटी जैसे कि विकू सर की पोजिशन इसमें थैंक यू एक्सेप्ट इन प्रोफेशनल कैपेसिटी अच्छा वोट यू मीन बाय प्रोफेशनल कैपेसिटी जैसे आपके ये सब प्रोफेशनल्स होते हैं सी ए सी एस कोई एडवोकेट होता है सी एम ए होते हैं है ना अच्छा आप इनसे एडवाइस लेते हो जैसे कोई टैक्सेशन का मैटर है यू गो टू अ सी ए उसने एडवाइस किया मतलब डायरेक्टर्स को एडवाइस किया डायरेक्टर्स ने एक्ट किया कोई लीगल कंपलाइंस का मैटर था यू गो टू अ कंपनी सेक्रेटरी कोई टेक ओवर आप कर रहे थे यू गो टू कंपनी सेक्रेटरी आपको आई पी ओ करना यू गो टू कंपनी सेक्रेटरी आपने उसकी एडवाइस ली है ना अकॉर्डिंगली आपने एक्ट किया कोई लीगल मैटर है आपका कोर्ट में पेंडिंग है आपने पूछा कि भाई अपने कितने चांसेस है विन मतलब जीतने के अगर ये केस फाइल करते हैं तो तो उसने बता दिया राइट right. सो so, आपने उसकी एडवाइस ली और उसने एक्ट किया बट अब यहां पर जो आपको एडवाइस दे रहा है ना वो उसकी प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दे रहा है मतलब उसका काम ही है राइट right? उसका काम ही है तो इसको हम लोग प्रमोटर नहीं मान लेंगे इसको हम लोग प्रमोटर नहीं मानेंगे क्यों उसका काम ही वही है ना है ना उसका काम ही वही है तो जस्ट बिकॉज उसने आपको एडवाइस की अब वो दूसरे दिन आता है कि मैं भी कंपनी का प्रमोटर अरे तू कैसे प्रमोटर मेरा काम ही करने का तू जो बोलेगा, वैसा मैं करूंगा। तो उसमें नया क्या है ये तो इंप्लाइड है बहुत ऑब्वियस बात है हम तेरे को प्रमोटर नहीं मानेंगे सो ये कभी भी प्रमोटर नहीं होता अगर उन्होंने प्रोफेशनल कैपेसिटी में तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछू एक मस्त सा क्वेश्चन पूछू चलो बताओ जरा सुना सपोज कोई सी है ये कोई सी है ओके okay? ये कंपनी के बोर्ड पर डायरेक्टर है ही इज अ डरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी अच्छा चलो आ, आ, थोड़ा कन्फ्यूज रहोगे तुम लोग <laughs> थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ बिकॉज इसके लिए अदरवाइज आगे का एक प्रोविजन लगेगा आपको ओके uh, okay. चलो एक काम करो इसको डायरेक्टर मत मानो एक सी एस है अच्छा जानते तो नहीं तो वो अपने को एक प्रोविजन ट्रिगर होगा ही होगा थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे जाने दो तो। बाद में कुछ अभी बस इतना ध्यान रखना बी विद दिस थॉट कि कौन प्रमोटर होता है तीन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल करेगा बिकम्स अ प्रमोटर पहला सबसे पहली कंडीशन क्या थी नेम्ड इन ऑफर डॉक्यूमेंट एंड द कंपनी सेकंड द पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग एंड थर्ड एज पर हु द बोर्ड इज कस्टम टू एक्ट ठीक है सो so, ये तीन पॉसिबिलिटीज है यू बिकम अ प्रमोटर सब देखो अपन लोगों ने दो मीनिंग्स देखे प्रमोटर के एक प्री इनकॉर्पोरेशन एक पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्री इनकॉर्पोरेशन कौन होता है जिसने कंपनी स्टार्ट की वो प्रमोटर सिंपल दिमाग नहीं लगाना पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रमोटर कौन होता है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रमोटर जो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल करता है यहां पर बड़े बड़े अक्षरों में शब्द क्या लिखा है और वी अंडरस्टैंड और ये हिंदी वाला और नहीं है ये वाला और नहीं है है ना ये कौन सा इंग्लिश वाला और है ठीक है सो so, और मीस अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन भी आप फुलफिल करते हो यू बिकम बेकाम यू डोंट हैव टू फुलफिल ऑल द कंडीशन जस्ट हैव टू फुलफिल एनी ऑफ दीज कंडीशन सर एक बात बताओ सर सर अगर हम ना सर तीनों कंडीशन फुलफिल कर लेंगे चल हम ये भी कर ले सर हम ये भी कर ले हम ये भी कर ले अब आप बताओ प्लमतल है क्या अरे ऑब्वियसली है ना भाई मतलब एक कंडीशन फुलफिल की तो प्रमोटर जब तीनों कर रहे हैं तो ऑब्वियसली है डाउट ही नहीं उसमें अच्छा चलो ठीक है सर फिर ठीक है आगे बढ़ाओ सर हाँ भैया तो आई होप समझ में आ गया सबको है ना लो चलो नेक्स्ट देखो आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं लोग हु कैन बी अ प्रमोटर हु कैन बी अ प्रमोटर कौन प्रमोटर बन सकता है सर एक सूट वाले चचा प्रमोटर होते हैं सर जो सूट पहन के आते हैं ना सर वो प्रमोटर है कपड़े के बेसिस पे डिसाइड करूं कपड़े के बेसिस पे हैं नहीं सबसे पहले मेरे को बताओ क्या कोई इंडिविजुअल प्रमोटर बन सकता है इंडिविजुअल क्या कोई इंडिविजुअल प्रमोटर बन सकता है ये देख बेशरम औरत अडल्ट बोलती है अडल्ट क्या कोई अभी अब एज वेज पे अपन बाद में आएंगे है ना क्या कोई इंडिविजुअल प्रमोटर बन सकता है हाँ मेरे देवा ये इम्प्लाइड है और ऑब्वियस है कि समन इज कंपीटेंट टू इंटरनेट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन बिकम अ प्रमोटर है ना वो तो इंप्लाइड है या yeah. सो ये प्रमोटर बन सकता है एब्सोल्युटली बन सकता है कोई दिक्कत नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बिल्कुल बन सकता है अच्छा एक बात बताओ क्या कोई कंपनी प्रमोटर बन सकती है एक कंपनी दूसरी कंपनी की प्रमोटर एक कंपनी दूसरी कंपनी की प्रमोटर ऐसा हो सकता है एक कंपनी दूसरी कंपनी की प्रमोटर पॉसिबल है या वेरी नाइस हा मिक्सड आंसर सुनना अब जैसे एक आपको रियल लाइफ एग्जांपल दू कोई इसका क्या चलो ये सुनो रिलायंस इंडस्ट्रीज सिंपल से एग्जांपल देता हूं आपने दोनों नाम सुने हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना रिलायंस ने अभी एक नई एंटिटी फॉर्म की विच वॉज रिलायंस जियो इन्फोकॉम नाउ इस कंपनी के ऊपर जब यह इनिशियली स्टार्ट हुई थी इसमें हंड्रेड परसेंट इक्विटी किसकी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज की थी बाद में दिस कंपनी पीप्ड इन अलॉट ऑफ इन्वेस्टर्स है ना आपने पढ़ा होगा ना गूगल है फेसबुक है माइक्रोसॉफ्ट है आ, ये सब या तो टेक्नोलॉजी पार्टनर्स थे या फिर दे इन्वेस्टेड इन द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी राइट बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स थे तो इन सभी लोगों right? so, ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम में इन्वेस्ट किया राइट सो क्योंकि रिलायंस ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को आ, बनाया राइट right? या, या फिर या फिर अगर आप पोजिशन के टर्म्स में देखते हो तो आज भी इसका एक सिग्निफिकेंट है और सिग्निफिकेंट होल्डिंग इस कंपनी के अंदर है राइट right? सो so, क्या आर जियो को कंट्रोल करती है क्या जी को कंट्रोल करती है अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा सर एक कंपनी दूसरी कंपनी को कैसे कंट्रोल कर सकती है कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है तो दूसरी आर्टिफिशियल पर्सन को कंट्रोल कैसे करिए अरे देवा कोई ना कोई तो आरआईएल को भी कंट्रोल करता है ना कोई आरआईए को भी कंट्रोल है है तो ऑब्वियस बात आर्टिफिशियल पर्सन कुछ नहीं कर सकता लेकिन उस आर्टिफिशियल पर्सन को कोई ना कोई तो नेचुरल पर्सन कंट्रोल कर रहा है ना सो अगर वो इसको कंट्रोल कर रहा है और ये इसको कंट्रोल कर रही है तो ये इसको भी कंट्रोल कर रहे हैं सिंपल सो क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी की प्रमोटर बन सकती है डेफिनेटली बन सकती है है ना आई होप दिस इज क्लियर नाउ सो एक कंपनी प्रमोटर बन सकती है बिल्कुल बन सकती है अच्छा उसके अलावा थर्ड क्या कंपनी का कोई एम्प्लॉई प्रमोटर बन सकता है या फिर कंपनी का कोई ऑफिसर प्रमोटर सर घटिया सर एम्प्लॉयी नाम सुन कैसा लगना तुच्छ तुच्छ ऐसा इधर कोई में बैठा है एम्प्लॉयोचा ये बन सकता है सर अरे क्या कंपनी का कोई एम्प्लॉयी या कंपनी का कोई ऑफिसर प्रमोटर बन सकता है आप बोलते हो नहीं एक बात बताओ क्या कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का प्रमोटर बन सकता है क्या कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का प्रमोटर बन सकता है अब तो हाँ बोलोगे ना एमडी तो बन सकता है एमडी तो कितना बड़ा आदमी होता है सर मस्त फर्स्ट क्लास ब्लैक कलर का सूट पहन के आता है सर बहुत भारी की टाई वाई लगा के आता है चकाचक जूते वो भी पालिस बहुत भारी का आदमी रहता है सर ये टॉप क्लास आदमी रहता है सर अच्छा अब ये तो प्रमोटर बन सकता है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अब माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज मैनेजिंग डायरेक्टर एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी सर क्या बात करें एम डी सर कहा होता है सर एमडी एम्प्लॉय कैसे होगा सर एम डी तो सर एम डी तो एम डी होते हैं सर वो एम्प्लॉय थोड़ी ना तो एम्प्लॉय तो सर ऐसे ऐसे छोटे छोटे लोग होते हैं सर वो तो इधर उधर भागते रहते हैं सर वो लोग एम्प्लॉय होते हैं सर एम डी एम्प्लॉय नहीं होते सर कर इज एन डी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑफकोर्स एम डी इज ऑल्सो एन एम्प्लॉय ऑफ दल्सो एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है ना सो क्या एमडी प्रमोटर बन सकता है यस yes. क्या एमडी एम्प्लॉय है यस yes. तो क्या कोई एम्प्लॉय या ऑफिसर प्रमोटर बन सकता है हां यार तुमने सबसे ऊपर क्या लिखा था इंडिविजुअल सबसे ऊपर क्या लिखा था इंडिविजुअल अच्छा एम्प्लॉय या ऑफिसर इंडिविजुअल ही है नहीं नहीं सर इंडिविजुअल सर सर वो मरद है सर मरद कैसा बात कर रहे ऐसा कैसे चलेगा तो वापस ईटी में जाने का तेरे को नहीं सो so, क्या एम्प्लॉय ऑफिसर प्रमोटर बन सकता है हाँ बिल्कुल बन सकता है कोई तकलीफ नहीं क्लियर है सबको एवरी वन हां तो भाई बहनों ये अपन लोगों ने अभी समझा प्रमोटर कौन बन सकता है चलो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जरा शेड्स ये भी मैं क्या पढ़ा रहा हूं बेसिक्स क्या पढ़ा रहा हूं बेसिक्स है ना बेसिक्स मतलब ऐसी चीजें जो हर जगह आपको जरूरत के समय लगेगी अब नेक्स्ट टाइम ने जब मैं वर्ड्स यूज करूंगा तो प्लीज पजलअप मत दो ना सर स्पेशल रेजोल्यूशन सर याद नहीं आ रहा सर स्पेशल सर याद ही नहीं आ रहा सर सर मुझे पॉटी आ रही सर मैं दो मिनट में आता हूं अरे अभी याद आना चाहिए इसलिए घोट घोट के घोट घोट के पढ़ा रहा हूं ध्यान से सुनना चलो आगे देखो नेक्स्ट <coughs> इसके बाद शेयर्स शेयर्स चलो भाई क्या शेयर्स एक्ट में डिफाइंड है यस वेरी सिंपली शेयर्स कैसे डिफाइन किया इन्होंने बोला अ शेयर इज अ शेयर क्या डेफिनेशन है सर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी अ शेयर इज अ शेयर कैपिटल अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ़ द अच्छा ये वाले शेयर का मतलब क्या है हिस्सा है ना उसका टुकड़ा हिस्सा अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी है ना सिंपल मतलब पूरी शेयर कैपिटल का एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूएंट एक छोटा सा पार्ट इस एज अ शेयर उसे हम क्या बोलते हैं शेयर बोलते हैं अच्छा सर कितने तरीके के शेयर्स होते हैं सर जैसे लोग भी दो तरीके के होते हैं ना सर शेयर्स भी दो तरीके के होते हैं सर मेरे को मालूम है सर एक होता है इक्विटी शेयर एक होता है प्रेफरेंस शेयर सर हमारी जो स्कूल में क्यूट वाली मैम थी ना सर उन्होंने ऐसे ही पढ़ाया था सर और मैं तो बस उनको भी देखता रहता था सर देखते देखते मेरे को सब याद हो जाता था सर सो शेयर्स दो तरीके के होते हैं एक होता है इक्विटी एक होता है प्रेफरेंस अच्छा सर क्या इक्विटी शेयर भी एक्ट में डिफाइंड है यस yes. कैसे डिफाइंड है विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर क्या डेफिनेशन है, है सर अब आप मेरे से पूछो सर इक्विटी की डेफिनेशन क्या देखो मैं खटाक करके बोलता हूं अब आप मेरे से पूछो कि प्रेफरेंस की डेफिनेशन क्या है मैं अभी बताऊंगा अ शेयर विच इज नॉट एन इक्विटी शेयर इज अ प्रेफरेंस शेयर जा ये थोड़ी ना डेफिनेशन है प्रेफरेंस को डिफाइन किया और उससे उन्होंने इक्विटी को लिंक कर दिया अब प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं लेट्स हियर दिस प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स मतलब वो शेयर्स मींस दो शेयर्स विच एंजॉय मींस दो शेयर्स विच एंजॉयस प्रेफरेंशियल राइट विच एंजॉयस प्रेफरेंशियल राइट ओवर इक्विटी जो इक्विटी के अगेंस्ट प्रेफरेंशियल राइट एंजॉय करते हैं अब हमारे एक वेबसाइट पढ़ा है या सो विच एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट ओवर इक्विटी अच्छा वोट यू मीन बाय प्रेफरेंशियल राइट पहला हिस्सा इनका बाद में जो बच गया इक्विटी का पहला हिस्सा इनका बाद में जो बच गया वो इक्विटी का होता है है ना अच्छा अब आपको बहुत बुरा लग रहा होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए <laughs> गरीब प्रेफरेंस ने सब खाया जोर से डकार ली और उसके बाद जो रूखा सूखा लास्ट का बच गया जला हुआ छोटा वो सब उठा के इक्विटी को दे दिया ऐसा होता है अभी देखो दोनों का मतलब समझेगा तो तुमको और क्लैरिटी आएगी अब <coughs> या चिराग सर ने विकास ने बोला विकास सर को पूछो कि ऑथराइज कैपिटल पे स्टैंप ड्यूटी क्यों लगती है हा ऐसा बोला मेरे से पूछने को बोला चलो ठीक है मैं बता देता हूँ बस या सो so, शेयर्स क्या होते हैं जो प्रेफरेंस एंजॉय करते हैं किसके ऊपर इक्विटी के ऊपर प्रेफरेंस एंजॉय करते हैं है ना अच्छा कहाँ कहाँ प्रेफरेंस एंजॉय करते हैं दो जगह पहला पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, एंड सेकेंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ अप सो पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एंड रीपेमेंट पेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ अप इसका मतलब क्या है पेमेंट ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या कि जब भी कंपनी इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड देगी अब मन में सवाल आ रहा होगा सर डिविडेंड क्या होता है अभी आता हूं उसके ऊपर भी सो so, जब भी कंपनी डिविडेंड देगी डिविडेंड इज नथिंग बट रिटर्न टू शेयर होल्डर्स डिविडेंड इज वॉट डिविडेंड इज नथिंग बट रिटर्न टू शेयर होल्डर्स राइट कि शेयर होल्डर्स को जो भी पैसा हम लोग रिटर्न करते हैं उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसे हम लोग डिविडेंड बोलते हैं ओके okay? सो so, पहले कंपनी डिविडेंड किसको देगी प्रेफरेंस को देगी प्रेफरेंस को देने के बाद अगर कुछ बच जाए अगर कुछ बच जाए तो हम लोग इक्विटी को देते हैं लेकिन पहला राइट उस डिविडेंड के होता है का होता है? उनको देने तो so, के बाद अगर पैसा बच जाए तो इक्विटी को दोगे ठीक है अच्छा दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल मतलब जब प्रेफरेंस का टर्म होता है मैक्सिमम है ना आपने पढ़ा होगा ट्वेंटी का टर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होती है तो थर्टी ईयर्स का टर्म होता है सो जब भी आप कैपिटल रीपे करते हो जब भी कैपिटल आप रीपे करोगे या फिर आप वाइंडिंग अप का समझना जब वाइंडिंग वाइंडिंग अप अप मतलब क्लोजर हम हाँ लोग बिजनेस को बंद कर देते हैं और उसके बाद कंपनी को डिजोल्व कर देते हो होट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन राइट जब आप पैसा देते हो वाइंडिंग अप के वक्त जब आप पैसा देते हो तो सबसे पहले पैसा किसको दोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दोगे उसके बाद बच जाए तो किसको दोगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को ठीक है मतलब रीपेमेंट पहले किसको होगा प्रेफरेंस को उसके बाद अगर पैसा बचता है तो ही इक्विटी को मिलेगा अदरवाइज इक्विटी को नहीं मिलेगा सो ये होते हैं प्रेफरेंट शेयर्स जिन्हें दो जगह प्रेफरेंस है कहां कहां पर प्रेफरेंस है पहला डिवरेंट पेमेंट में ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एंड सेकेंड कैपिटल रिपेमेंट में एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इन्हें प्रेफरेंस मिलती है और जो प्रेफरेंस नहीं होते वो इक्विटी होते हैं जो प्रेफरेंस नहीं होते वो इक्विटी मतलब जिनको प्रेफरेंस नहीं मिलती वो सारी की सारी इक्विटी होती है है ना अच्छा लेकिन इक्विटी का सबसे बड़ा हाईलाइट क्या है इक्विटी शेयर्स कैरी वोटिंग राइट्स इनका सबसे बड़ा हाईलाइट क्या है दे कैरी वोटिंग राइट्स वोटिंग राइट्स मतलब क्या होता है इनके पास एक्चुअल डिसीजन मेकिंग होती है कंपनी के इनके पास कंपनी की एक्चुअल डिसीजन मेकिंग होती है मतलब जो भी डिसीजन लेते हैं कंपनी के बिहाफ पे मतलब उस कंपनी में क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब डिसीजन कौन लेते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं सो जनरल मीटिंग में अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कल जैसे हम लोगों ने ऑर्डिनेटरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन पढ़ा था है ना सो जनरल मीटिंग में हु विल वोट जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट कौन करेगा आपने पढ़ा था ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन सो जनरल मीटिंग में मुझे बताओ कौन पार्टिसिपेट करेगा यह कंपनी नोटिस किसको भेजती है जनरल मीटिंग का एबसोल्यूटली हाँ जी इक्विटी परफेक्ट क्यों इक्विटी डिसीजन मेकिंग किसके पास है इक्विटी के पास है वोट कौन करता है इक्विटी शेयर होल्डर्स सो जनरल मीटिंग में वोट कौन करेगा इक्विटी सो नोटिस जनरल मीटिंग का किसको जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा ठीक है आई होप दिस इज क्लियर सो इक्विटी के पास क्या होती है वोटिंग राइट right होती है प्रेफरेंस के पास क्या होती है प्रेफरेंस राइट होते हैं प्रेफरेंशियल राइट होते हैं ओवर इक्विटी मतलब डिफरेंट पहले उनको मिलता है बाद में इक्विटी को मिलता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पहले होता है uh, इनको बाद में होता है है ना अच्छा अब इसके पीछे भी ना बहुत बड़ी कहानी है मैक्सिमम कंपनीज इन इंडिया दे डोंट इश्यू प्रेफरेंस मेजोरिटी कंपनीज इन इंडिया दे डोंट इशू प्रेफरेंस लेकिन ये क्वेश्चन समझने के लिए अपने को थोड़ा सा ना डिबेंचर पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा टैक्सेशन का एंगल पढ़ना पड़ेगा उसके बाद आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा सो आगे पढ़ाऊंगा है ना कि क्यों हम लोग आ, आ, बेसिकली प्रेफरेंस इशू नहीं करते मतलब तो इंडिया में कंपनीज प्रेफरेंस इशू क्यों नहीं करती है अच्छा आप देखो एक बात समझना एज अ कंपनी सेक्रेटरी मुझे ऐसा लगता है कि योर रोल एज एन एडवाइजर इज रियली रियली इंपॉर्टेंट वाई डू वाई सी एज एन एडवाइजर बिकॉज जितने भी बड़े बड़े कॉपरेट ट्रांजेक्शन होते हैं कॉपरेट मैटर्स होते हैं बोर्ड वुड ऑलवेज कम बैक टू देयर कंपनी सेक्टरी राइट जो भी उनके बोर्ड पर है दे ऑलवेज अप्रोच हिम और उससे सजेशंस लेते हैं एस टू हाउ टू स्ट्रक्चर दिस एंटायर ट्रांजैक्शन राइट अब जैसे इतने बड़े बड़े आप मर्जर्स के बारे में सुनते हो अक्विजिशन के बारे में सुनते हो टेक ओवर्स के बारे में सुनते हो बोनस राइट्स ई सॉप ये इतने बड़े बड़े इशूज़ होते हैं राइट आई होते हैं एफ होते हैं सो so, ये वर्ड्स अभी हो सकता है कुछ लोगों को बिल्कुल नए लग रहे हो कि ये पता नहीं कौन से ज़माने की बातें कर रहे हैं पर ये सब पढ़ेंगे अपन लोग है ना सेकंड चैप्टर मतलब विल बी पैक्ड मतलब सेकंड चैप्टर जब आपका खत्म हो ना आपको ऐसा लगेगा कि बस भगवान हमको यहीं पर मोक्ष मिल गया अब हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं ऐसी फीलिंग आएगी तुम लोगों को तो बहुत सारा ज्ञान है सो यू नो वेन एवर यू रीड ऑल दीज थिंग्स लर्न इट वेरी वेरी प्रैक्टिकली वेन ऐसे वेरी वेरी प्रैक्टिकली मतलब उसकी लॉजिक्स और उसकी रीजनिंग जरूर डेवलप करना कि ऐसा क्यों होता है और अगर ऐसा किया तो क्या करना है मतलब द प्रोसीजर राइट और उसके इम्प्लीकेशन क्या होते हैं मतलब कॉन्सिक्वेंसेज राइट right? ये सारी की सारी चीज़ें आपको जेनुनली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और सुना द बेटर यू नो मतलब इवन आफ्टर यू विल रेफर टू लॉट ऑफ बुक्स आप बहुत सारी बुक्स पढ़ोगे बहुत सारे केसेस पढ़ोगे उसके बेसिस पे आप अपने बोर्ड को एडवाइस करोगे लेकिन जो पहला वो कैच आता है ना वो यहीं से स्टार्ट होता है राइट सो इसको जितना लॉजिकली आप पढ़ पाओगे उतना आपको मजा आएगा राइट सो कंपनी लॉ जिनको अच्छा लगता है ना उनको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें हर चीज का रीजन है राइट और जिनको नहीं अच्छा लगता है। उनको ऐसा अच्छा लगता है कि देखो इस आदमी के बचे हुए बाल भी क्यों ना नोच लू भाई मेरे बालों ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा तुम्हारी चॉइस थी ना मैंने तो डेमो दिया था ना सो so, तुम डिसाइड करो सो so, डिपेंड्स इसलिए जब भी आप लॉ पढ़ते हो इट शुड ऑलवेज बी रीजेंड वन यू नो सो आप उसको जितना लॉजिकली पढ़ोगे मोर गुड फॉर यू ठीक है चलो भाई सो आई होप दिस इज क्लियर इक्विटी क्या होती है और प्रेफरेंस क्या होती है ना वोटिंग राइट right किसके ऊपर है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट right होती है जनरल मीटिंग में वोटिंग कौन करता है इक्विटी शेयर होल्डर्स वोट करते हैं बिकॉज उन्हीं के पास वोटिंग होती है बाकी किसी के पास ऐसे वोटिंग नहीं होती है रिकॉर्डेड वाले लोग भी ऐसा फील होगा ना अरे हाँ मैम सेम चीज रिकॉर्ड होती है ना आपको भी बराबर फील होगा बस रिकॉर्डेड में एक ही होता है कि ऐसे आप हंसते हो लेकिन आपको अकेले हंसना पड़ता है यू नो आप बात करते हो लेकिन आप अकेले से बात करते हो लाइव में बस वो नीचे इनको बात करने के लिए और दो सौ तीन सौ लोग मिल जाते हैं बाकी सब कुछ सेम है मैं कंटेंट हम लोग कभी भी अलग नहीं करते मतलब जो चीज़ यहाँ लेक्चर ले रहे हैं उसी वही रिकॉर्ड होता है और वही ड्राइव पे अपलोड होता है लो भाई चलो सो ये बात होगी इक्विटी और प्रेफरेंस की अच्छा यहां पर एक वर्ड हम लोगों ने यूज किया था डिवरेंट है ना डिवरेंट इज नथिंग बट रिटर्न टू शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी रिटर्न टू शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हंस क्यों रहे तो हाँ वो रिकॉर्डेड वाले मेरे को बहुत बार ऐसे मैसेज करते हैं सर कि हमारे मम्मी पापा ना हमको देख के हंसते रहते हैं कि कैसे पागल लोग स्क्रीन देख के हंसते रहते हैं दिन भर या फोन में लेक्चर देख रहे हो लेक्चर देख के हंसते रहते हैं तो वो सम्भाव ये फैक्ट एब्जॉर्व नहीं कर पाते कि लोग पढ़ते वक्त हंसते हैं बिकॉज ऑब्वियसली उनके ज़माने में जब उन्होंने एक्चुअली में पढ़ाई की होगी तो वहाँ पे वो मास्टर जी वाला फंडा होता था कि मास्टर जी एक सेंटी लेके खड़े रहते थे और वो इर रिस्पेक्टिव वट एवर सेक्स जो मेल और फीमेल वो सट करके एक लड़की सॉरी लक, लकड़ी लड़की को भी चिपका देते थे सो बिना सोचे तो उनके दिमाग में वो इम्प्रेशन होता है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग केस है है ना हाँ जी सो पेमेंट ऑफ डिफरेंट पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज वॉट इट इज नथिंग बट रिटर्न टू शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ये हमेशा ध्यान रखना डिविडेंड इज ऑलवेज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स अगर प्रॉफिट है तो ही आप डिविडेंड दे सकते होते होते आप डिविडेंड नहीं दे सकते हो ठीक है इज ऑलवेज पेड एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स ठीक है इज डिट चलो अब आगे अपन लोग कुछ और महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं या लिस्टेड कंपनी ये पढ़ लो भाई इसमें ना बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को अच्छा मैं पहले से ना थोड़ा सा डिस्क्लेम कर रहा हूँ आपको लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन पढ़ाते वक्त अनफॉर्चुनेटली इन्होंने आपके कंपनी लॉ के सिलेबस में लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन नहीं दी थी, ठीक है पर अपन लोग इसका मीनिंग जरूर समझते हैं है ना बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है विद रिस्पेक्ट टू दिस डेफिनेशन अच्छा मैं सुनो अब मैं डिस्क्लेमर पहले ही बता रहा हूँ कि जब मैं लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन आपको पढ़ा रहा हूँ ना मैं सिर्फ इक्विटी के परस्पेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ ओके मैं सिर्फ इक्विटी के परिसेक्टिव से पढ़ा रहा हूं मैं आपको डेट सिक्योरिटीज की लिस्टिंग की बात ही नहीं कर रहा हूं यहां पे है ना वो सब आप प्रोफेशनल में पढ़ोगे आपको वो पूरा के पूरा फंडिंग में एक चैप्टर है इज अबाउट डेट लिस्टिंग मैं यहां पे डेट की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं प्योरली किसकी बात कर रहा हूं मैं सिर्फ इक्विटी लिस्टिंग की बात कर रहा हूं मैं नहीं प्रेफरेंस शेयर होल्ड प्रेफरेंस की लिस्टिंग की बात कर रहा हूं नहीं डेट की लिस्टिंग की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ इक्विटी के परिसेक्टिव से आपको बता रहा हूं ठीक है बिकॉज मेरे को इस पॉइंट पे वो सबसे इंपॉर्टेंट है इक्विटी की लिस्टिंग का एंगल ओके okay? वट इज अलिस्टेड कंपनी लिस्टेड कंपनी क्या होती है लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है आर अवेलेबल फॉर ट्रेड एट अ स्टॉक एक्सचेंज अच्छा लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन अभी रिसेंटली एमसीए ने चेंज की फेब 2021 में फेब्रवरी 2021 में स्टॉक एक्सचेंज ने सॉरी एमसीए ने आपकी लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन चेंज की और उसमें तीन चार एक्सेप्शन उन्होंने बढ़ा दिए प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे अगर कोई कंपनी डेट सिक्योरिटीज इशू करती है प्रेफरेंस इशू करती है तो वो लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में क्वालिफाई नहीं होता है अगर प्राइवेट प्लेसमेंट की बेसिस पे किया बट अगेन अब आप पूछोगे सर डेट कैसे लिस्ट होती है सर डिवेंचर कैसे लिस्ट होता है सर प्रेफरेंस कैसे लिस्ट होता है सर इनका तो फिक्स टर्म होता है सर प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है ऐसे हजारों क्वेश्चन तुम्हारे आगे आएंगे इस पॉइंट पे सच में जरूरत नहीं है है ना जहां पे अभी तक मैंने तुमको प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं पढ़ाया है यह तुम्हारे लिए बहुत हाईफंडू चीज है सो so, ये आगे पढ़ेंगे अपन लोग अभी इस पॉइंट पे जरूरत नहीं है मैं इसलिए आपको स्टार्ट में बोल दिया था मैं सिर्फ इक्विटी के एंगल से बता रहा हूं है ना सो हु शेयर आर अवेलेबल फॉर ट्रेड एट स्टॉक एक्सचेंज अब सुनना इसको बहुत ध्यान से मतलब हर स्टूडेंट का एक क्वेश्चन रहता है हर स्टूडेंट का एक क्वेश्चन रहता है बिल्कुल ध्यान से प्यार से सुनना हाँ अंदर प्राइवेट कंपनी भी लिस्टेड मैं वही बोल रहा था हर्षित मुन्ना ये साइड में रख दे क्वेश्चन इतना टिपिकल सा क्वेश्चन इक्विटी लिस्ट नहीं कर सकती, अपनी, अपनी कर सकती है सिर्फ है so इक्विटी की बात कर रहा हूं क्योंकि पहले थोड़ा 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 करके खाते ना एक साथ खाएंगे तो वापस यूल एवरीथिंग चलो सुना जरा सो लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर्स यहां पर स्टॉक uh, एक्सचेंज पे अवेलेबल होते हैं अच्छा और कौन सी कंपनी अपने शेयर्स मतलब लिस्ट करवा सकती है जो एक पब्लिक ऑफरिंग करती है राइट क्या करती है विच डस पब्लिक ऑफरिंग ध्यान से सुनना विच डस पब्लिक ऑफरिंग अच्छा पब्लिक ऑफरिंग को हम लोग पब्लिक इशू भी बोलते हैं और आई थिंक ये एविडेंट है नाम से ही बहुत क्लियर है जब मैं बोलता हूं ना पब्लिक इशू पब्लिक इशू मतलब जनरल पब्लिक को इशू करना है किसको इशू करना है जनरल पब्लिक को इशू करना है मतलब विदाउट स्पेसिफाइंग ऑफर किसके लिए आपके लिए है मेरे लिए है इसके लिए इसके लिए, इसके लिए? मैं पांच छह नाम लेता हूं ये भव्य के लिए ऑफर है फाल्गुनी के लिए ऑफर है प्रकांशु के लिए ऑफर है खुशी के लिए ऑफर है नंदिनी के लिए ऑफर है आशीष के लिए ऑफर है किसके लिए ऑफर है मैंने स्पेसिफाई नहीं किया राइट जनरल ऑफर है मतलब एनी वन केन अप्लाई एंड एवरी वन केन अप्लाई राइट तो जो कंपनी इस तरीके का इशू करती है इस तरीके का ऑफर करती है उसी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं इक्विटी शेयर की बात करो सिर्फ इक्विटी की बात करो ठीक है अच्छा आप मुझे एक बात बताओ ज देर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज देर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अगर है तो कितना है कितना रिस्ट्रिक्शन है हाजी टू हंड्रेड वेरी नाइस है ना अब प्लीज़ अभी उसमें वो एक्सेप्शन लाना पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉज बहुत छोटा सा पॉइंट है वो कॉस्मेटिक पॉइंट है प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं टू है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं टू अच्छा ये अभी यहां पर टू लोग तो मेरे को यहां पर दिख रहे हैं अब सपोज आप जो ढाई लोग यहां पर अभी लाइव हो मैंने सपोज ऑफर इन ढाई लोगों को दिया मैंने ढाई लोगों को ऑफर दिया इस दिशा जनरल ऑफर ना क्या जनरल ऑफर है नहीं ये तो स्पेसिफिक ऑफर है ना मैंने किसको दिया 250 लोगों को ऑफर दिया तो ये तो ये स्पेसिफिक ऑफर हो गया जनरल ऑफर है ही नहीं राइट right? सो so, क्या ये कंपनी 250 लोगों को ऑफर देकर प्राइवेट कंपनी रह सकती है सवाल ही नहीं क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम मेंबर्स ही कितने हो सकते हैं टू अब मान लो टू को आपने ऑफर दिया और टू सभी लोगों ने अप्लाई कर दिया फॉर द सेम नंबर ऑफ शेयर फॉर द सेम नंबर ऑफ शेयर तो आपको प्रपोर्शनेट बेसिस पर प्रो डेटा बेसिस पर सभी को अलॉट करना पड़ेगा मतलब आपके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए 250 इज नॉट अलाउड राइट सो प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं 200 मतलब प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम ऑफर भी कितने लोगों को दे सकती है 200 है ना मैक्सिमम कितने लोग ऑफर दे सकती है टू राइट सो अब मुझे एक बात बताओ क्या प्राइवेट कंपनी अपने शेयर लिस्ट कर सकती है अगर आपको लिस्ट होना है तो आपका ऑफर हैज टू बी जनरल सबको देना है आपको पब्लिक ऑफरिंग करनी है मतलब जहां पे आप स्पेसिफाई नहीं करते हो लिमिट नहीं है कोई भी अप्लाई कर सकता है कितने भी लोग अप्लाई कर सकते हैं राइट सो जनरल ऑफर है अब जनरल ऑफर प्राइवेट कंपनी दे नहीं सकती क्योंकि इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ही कितने हो सकते टू हंड्रेड राइट मेंबर्स ही कितने होते हैं टू हंड्रेड सो जब उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर ही लिमिट है तो क्या उसका ऑफर का नेचर जनरल हो सकता है सवाल ही नहीं उसका ऑफर का नेचर हमेशा स्पेसिफिक होगा और जब ऑफर का नेचर स्पेसिफिक है तो वो कंपनी पब्लिक इशू कर सकती है आउट ऑफ क्वेश्चन है ना वो हो ही नहीं सकता है मतलब आईपीओ कर सकती है आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पहला इशू राइट सो क्लूसिवली मुझे बताइए कौन सी कंपनी के इक्विटी शेयर्स लिस्ट हो सकते हैं कौन सी कंपनी के इक्विटी शेयर्स लिस्ट हो सकते हैं हम लोग सिर्फ इक्विटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। मैंने डेट की बात ही नहीं की मैंने प्रेफरेंस की बात ही नहीं मैं सिर्फ इक्विटी के हिसाब से पढ़ा रहा हूं आपको कौन सी कंपनी के इक्विटी शेयर लिस्ट हो सकते हैं इट इज ओनली एंड ओनली अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हुविटी कैन बी लिस्टेड आई होप दिस इज क्लियर अब ये जीवन भर याद रखना इसको कभी भूलना मत कि कौन सी कंपनी लिस्ट हो सकती है पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी लिस्ट हो सकती है पब्लिक इक्विटी के हिसाब से कौन सी कंपनी लिस्ट हो सकती है पब्लिक प्राइवेट कंपनी लिस्ट नहीं हो सकती है ठीक है अब इससे रिलेटेड एक दूसरा बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि चलो सर ये तो समझ में आ गया कि पब्लिक कंपनी लिस्ट हो सकती है है ना पब्लिक कंपनी लिस्ट हो सकती है सो so, पब्लिक कंपनी के अगर मेरे को शेयर्स खरीदना हो जैसे आप कुछ एग्जांपल्स लूं कौन सी पब्लिक कंपनी लिस्टेड है फॉर एग्जाम्पल आई बैंक है एच है है ना रिलायंस इंडस्ट्रीज है राइट right? ये कुछ ऐसी कंपनीज है टी है जिसके शेयर्स लिस्टेड है है ना तो अगर मुझे इन कंपनीज के शेयर्स खरीदने हैं मुझे अगर इन कंपनीज के शेयर्स खरीदने तो मैं क्या करूंगा एक्सचेंज पे जाऊंगा और एक्सचेंज से शेयर्स खरीद लूंगा ये तो बहुत सिंपल है इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है है ना और अगर वो वन लोगों को इशू करे तो वो लिस्ट हो सकती है ना खुशी 150 लोगों को इशू कर रही है मतलब इशू स्पेसिफिक आपका जनरल है क्या और जब आप बोलते हो ना पब्लिक इशू मतलब पब्लिक इशू हैज टू तो बी जनरल और जब आप लिस्टिंग अग्रीमेंट पढ़ोगे मतलब जब आप सिक्योरिटीज पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि कम से कम एक हज़ार एप्लीकेंट्स आपके पास होने चाहिए कम से कम कितने एप्लीकेंट्स होने चाहिए एक हजार ये आईसीडीआर की कंडीशन है अभी मैं आपको सिक्योरिटीज में लेके नहीं जा रहा हूं है ना वो सिक्योरिटीज का पार्ट है एक हजार एप्लीकेंट्स होने चाहिए आपके एक हजार एप्लीकेंट्स मतलब दो सौ से ज्यादा तो दोनों कोरल है ना प्राइवेट आपको रिस्ट्रिक्ट करती है टू हंड्रेड पर और लिस्टिंग रेगुलेशन क्या बोलते हैं कम से कम हजार एप्लीकेंट्स होने चाहिए तो दोनों काउंटर ही नहीं है तो लिस्ट हो ही नहीं सकती उसकी वजह से अगर नंबर स्पेसिफिक रख दिया तो प्राइवेट ऑफरिंग ही हुई हाँ प्राइवेट ऑफरिंग हुई राइट उसका भी वर्ड है एक्चुअली प्राइवेट प्लेसमेंट है आ, वो अपन आगे पढ़ेंगे अगेन है ना हर चीज है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ ना जितना आप सोच सकते हो ना उसके आगे के क्वेश्चन है उसके आगे के प्रोविजन है ठीक है <laughs> सुनो सो so, ये कौन सी कंपनीज है ये सारी की सारी लिस्टेड कंपनीज है 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 ना ये सब कौन सी कंपनीज कंपनीज लिस्टेड अच्छा एक अनलिस्टेड कंपनी का नाम आपको बताऊं आई थिंक सब लोग कनेक्ट कर पाओगे सीरम ये नाम स्पेसिफिकली इस टाइम पे ले रहा हूं ना बिकॉज कोविशील्ड आपने बहुत सुना होगा पूना वाला आपने बहुत सुना होगा है ना आदर पूना वाला बहुत सुना होगा साइरस पूना वाला बहुत सुना होगा सीरम इंस्टीट्यूट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड है ना दिस इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ये एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है ये अनलिस्टेड अब दोनों के दोनों कंपनीज हैं दोनों के दोनों पब्लिक कंपनीज कंपनी लेकिन ये है, ये ये लिस्टेड लिस्टेड है है ये है ये है अनलिस्टेड अनलिस्टेड ना या अब देखो यहां पे अगर मेरे को आईसीआईसी बैंक के शेयर्स खरीदने हैं बहुत सिंपल है आई गो टू एनएसीबीएस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जाऊंगा डिमार्ट अकाउंट ओपन करवाता हूं है ना और शेयर्स खरीद लेता हूं तो इसके शेयर्स खरीदना तो बहुत सिंपल है लेकिन अगर कोई पूछे आपसे कि पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के शेयर्स कैसे खरीदोगे यूल हैव टू फाइंड अ अ बायर हैव टू फाइंड बायर है ना इसमें आपको बायर ढूंढना पड़ता है मतलब सर बायर कैसे ढूंढे वो आपकी प्रॉब्लम उसका आंसर एक्ट में नहीं मिलेगा जैसे एक सिंपल से एग्जाम्पल समझना सपोज मेरे पास मेरे पास सीरम के शेयर्स हैं अनलिस्टेड कंपनी सीरम के शेयर्स हैं मेरे पास मेरे को पैसे की जरूरत है आ, यहाँ पर आशीष मेरे पास आता है और आशीष मेरे को बोलता है कि मेरे को ना सीरम के शेयर्स खरीदने हैं मैं बोलता हूँ बेस्ट मेरे को सीरम के शेयर्स बेचना है तो इंटरेस्टेड है बोलता है हाँ मैंने वैल्यूएशन करवाया एक वैल्यूअर के पास गया उससे वैल्यूएशन करवाया वैल्यूएशन उसने अग्री किया मैंने अग्री किया उसने बोला कि भाई एक शेयर की कीमत बीस हज़ार रुपये मैंने इससे बीस हज़ार रुपये लिए इसको एक शेयर दे दिया राइट सो बायर और सेलर मिले एक दूसरे से निगोशिएट किया वैल्यूएशन करवाया और शेयर्स बाय सेल हो गए है ना अच्छा सर वैल्यूएशन किससे करवाएंगे बहुत आगे की बात है अभी मत दिमाग लगाओ वैल्यूएशन करवाना है बस ये समझना ठीक है एंड यू बॉट द शेयर्स सो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स अगर आपको खरीदने यू हैव टू स्काउट फॉर अ बायर और अ सेलर आपको बायर सेलर ढूंढना पड़ता है और लिस्टेड कंपनी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है क्योंकि एक बना बनाया मार्केट है एक बना बनाया मार्केट एक बना बनाया प्लेटफॉर्म है तो वहां बायर सेलर ढूंढने की जरूरत नहीं है वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे बायर सेलर्स हैं मार्केट में सो डिमांड सप्लाई चलती रहती तो ये लिस्टेड का बहुत बड़ा फायदा है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में यू हैव टू लुक फॉर अ बायर और अ सेलर ठीक है फर्स्ट टाइम सीरम ने किसी ऑफर किया होगा सिंस जनरल पब्लिक को स्टॉक एक्सचेंज पे ऑफर होते हैं की भी कंडीशंस होती हो खुशी बहुत आगे चले गए अपन लोग बहुत ही आगे चले गए मतलब अभी तो आपको पब्लिक कंपनी क्या होती है ये भी मैंने नहीं पढ़ाया आप <laughs> लिस्टिंग टर्नओवर की बात करें मतलब बहुत ही आगे चले गए ठीक है हाँ मैं अब देखो बस मेरे को ना इसलिए ये टॉपिक्स पढ़ाने में बहुत डर लगता है क्योंकि क्या होता है जैसे ही मैं वर्ड्स बोलता हूँ ना इतने सारे सवाल मन में आने लगते हैं ना आप लोगों के okay. ये भी बताओ वो भी बताओ अब ये देखो जरा हाउ टू वैल्यू शेयर्स मेरे बाप मैंने पहले बोला था कि मत जाना वहां पे अभी अपना वैल्यूएशन टॉपिक ही नहीं है अभी तो अपन ये समझते हैं कि पब्लिक लिस्टेड और पब्लिक अनलिस्टेड क्या होता है ना आप कहा वैल्यूएशन की बातें कर रहे हो हाँ, सुनो जैसे ये टिपिकल से क्वेश्चंस है अभी आपको यह समझ में आ गया कि अनलिस्टेड को बायर सेलर ढूंढना पड़ता है है ना अनलिस्टेड को बायर सेलर ढूंढना पड़ता है अच्छा कौन सी कंपनी लिस्ट होती है मतलब कौन सी कंपनी डिसाइड करती है कि मेरे को लिस्ट होना है कौन सी कंपनी अनलिस्टेड रहती है और अगर अनलिस्टेड है तो वो पैसा कैसे रेस करती है है ना सुनो सपोज आई एम एन अनलिस्टेड कंपनी टूडे ठीक है या एक नाम ले लो आप कुछ अच्छा वो भी जाने दो चलो मैं येस अकेडमी की बात करता हूँ सुनो एक मिनट ध्यान से हाँ ये अकेडमी की बात करता हूँ येस अकेडमी इज पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी ओके ध्यान से सुनना एक मिनट सिंपल सा तरीका बताता हूँ यस अकेडमी इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ठीक है इट इज़ एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अब सपोज अपने को थोड़ा सा एक्सपेंशन करना एक्सपेंशन के लिए थोड़ी सी कैपिटल की जरूरत है ध्यान से सुनना हाँ उसको हल्की सी थोड़ी बहुत कैपिटल की जरूरत है सो so, ये कंपनी क्या करती है मतलब यस yes, अकेडमी क्या करेगी वो ऑफर देगी अब दो तरीके आपने डिसाइड किया आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्टूडेंट्स की कम्यूनिटी काफ़ी बड़ी है यू नो स्टूडेंट्स फैमिली बहुत बढ़िया तो से अपन लोगों ने विपुल सर को ये टास्क दिया कि आपको विपुल सर और चिराग सर को ये टास्क दिया कि आपको सब स्टूडेंट्स को अप्रोच करना है तो एक स्ट्रीम विपुल सर ने ली एक स्ट्रीम चिराग सर ने ली इन दोनों ने सारे स्टूडेंट्स को बताया कि भाई यस अकेडमी पब्लिक इशू कर रही है उसको शेयर्स इशू करने आप सब लोगों ने बोला कि ठीक है हम लोग अप्लाई कर देते हैं ओके आप सुनना अब यहाँ पे हम लोगों ने ऑफर का नेचर जनरल नहीं रखा

बीच में एक पॉइंट पैसा लगता है कि मेरे को पैसे की जरूरत है सो ही वॉन्ट्स टू सेल शेयर्स उसको अपने शेयर्स बेचना है तो वो क्या करेगा या तो किसी स्टूडेंट को अप्रोच करता है या किसी बाहर वाले को अप्रोच करेगा और उसको बोलेगा मेरे को शेयर बेचना तू खरीदने में इंटरेस्टेड है क्या उसने बोला हा मैं इंटरेस्टेड हूं इसने अपने शेयर्स बेच दिए तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में बायर सेलर आपको ढूंढना पड़ता है फर्स्ट थिंग है ना आपको बायर सेलर ढूंढना पड़ता है ये पहली चीज ध्यान रखना और दूसरा दूसरा उससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई ये आपका डिसीजन है आपको लिस्ट करवाना है आपको लिस्ट नहीं करवाना है आपकी चॉइस है आपको लगता है कि मेरे को पब्लिक जाना है पूरी दुनिया को पता होना चाहिए तो लिस्ट करवा दो आपको लगता है भाई मेरे को अपना प्रॉफिट इतने ही लोगों में बांटना है पांच हजार लोगों में बांटना है इस सारा मैं चाहता ही नहीं प्रॉफिट बांटना तो अनलिस्टेड रखो सीरम चोज टू रिमेन अनलिस्टेड उनको नहीं चाहिए था कि मेरे को बहुत सारे रेगुलेशन आ जाए बहुत सारे कंप्लाइंस आ जाए मुझे अपना पैसा शेयर करना पड़े तो वो प्रमोटर फैमिली नहीं पूना वाला फैमिली ने अपने अपने पास सारे शेयर्स रखे उनके पास कैपिटल थी उनको फर्क ही नहीं पड़ा जिसको कैपिटल की जरूरत है तो वो लिस्ट करवा लेते इवेंचुअली नो आई होप दिस इज क्लियर तो वो जो एक क्वेश्चन है ना एक क्वेश्चन है वो ये है कि आ, सर पब्लिक कंपनी लोगों को कैसे अप्रोच करती है तो पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने आसपास के लोगों को अप्रोच करती है जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं डायरेक्टर्स होते हैं वो जिन लोगों को जानते हैं कि भाई ये इच्छुक है ये इंटरेस्टेड है पैसा लगाने में उनको अप्रोच करते हैं वो लोग पैसा दे देते हैं आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे पास वाले तो मेरे से प्यार ही नहीं करते मेरे को पैसे नहीं देंगे फिर पब्लिक फिर जनरल पब्लिक के पास जाओ क्लियर है प्रूफ किस चीज का देना पड़ेगा आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है ना आपने पैसा दिया तो आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा लिस्टेड की एक हजार करेक्ट लिस्ट कराने के बाद प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है हां अगर इक्विटी की बात करो तो एस एप्स के लोगों को लेकिन 200 से ज्यादा लोगों को हां 200 से ज्यादा क्लियर है अब सुनो जीवन में जीवन में अगर किसी स्टूडेंट ने यह बोला कि प्राइवेट कंपनी की इक्विटी लिस्ट हो जाती है कि प्राइवेट कंपनी की इक्विटी लिस्ट हो जाती है मेरी बद्दुआ तुम्हारे साथ है है ना गलती से भी मत बोलना मतलब मेरा खून खोल जाता है मैं ऐसे अंगार अंगार हो जाता हूं अंदर से जब कोई बोलता है कि प्राइवेट कंपनी की इक्विटी लिस्ट हो सकती है सर कौन सी कंपनी की इक्विटी लिस्ट हो सकती है पब्लिक क्या हर पब्लिक कंपनी लिस्टेड है नहीं ओनली इफ यू चूज टू लिस्ट योर शेयर तो ही आपके शेयर लिस्ट होते हैं अदरवाइज पब्लिक कंपनी के शेयर लिस्ट नहीं होते हैं ऐसा जरूरी नहीं कि आपको लिस्ट कराना नहीं पड़े कितनी लिस्टेड कंपनीज है भारत में दस बारह हजार लिस्टेड कंपनीज है एनएससीबी मिला के दस बारह हजार लिस्टेड कंपनी और कितनी कंपनीज है टोटल इंडिया में करीब चौदह लाख सो आउट ऑफ फोर्टीन लैक कंपनी देर आर ओनली टेन ट्वेल्व थाउजेंड कंपनीज विच आर एक्चुअली लिस्टेड डिफरेंट समझ में आ रहा है कितनी कंपनी लिस्टेड है दस से बारह हजार लिस्टेड हाउ मेनी कंपनीज 14 लाख अबाउट 14 लाख कंपनीज सिर्फ दस बारह हजार कंपनी लिस्टेड है ठीक है चलो नाइस यार लिस्ट करवाने का एडवांटेज क्या यार मैम लिस्ट करवाने का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि आपको पैसा ज़्यादा मिल जाता है मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा लोगों को आप अप्रोच कर पाते हो अच्छा फिर एक रेपुटेशन बनती है आपकी गुडविल इंप्रूव होती है अब जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँगा आप लिस्टेड कंपनी बताओ मेरे को 10, 15, 25 लिस्टेड कंपनीज़ बता दो अगर मैं आपसे पूछूँ अनलिस्टेड कंपनी बताओ मेरे को पाँच भी नहीं बता पाओगे तो ब्रांड पॉपुलरिटी बन जाती है बैंक को अप्रोच करते हो तो आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है राइट एक बिजनेस की इमेज होती है कस्टमर के बीच में रेपुटेशन होता है वो सारी की सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाती है तो वो लिस्टेड के फायदे हैं हाँ कैपिटल ऑब्वियसली गोज विदाउट सिंग सबसे पहले वही डन सर लिस्ट कैसे करते हैं माँ कसम सर इसके लिए ना मैं चार हजार रुपये चार्ज करता हूँ सर <laughs> मतलब मैं सिक्योरिटीज में यही पढ़ाता हूँ कि कंपनी लिस्ट कैसे होती है बट वो बहुत आगे की बात है सर मतलब कंपनी लॉ में भी है पर थोड़ा सा आगे गया अभी इस पॉइंट पे जरूरत नहीं है पढ़ेंगे जरूर लेकिन सी एस की लेस वैल्यू होती है अनलिस्टेड कंपनी में क्या सर सी एस की वैल्यू ना मैम आप पे डिपेंड करती है वो कंपनी पे डिपेंड नहीं करती है आप कैसे हो ना उस पर डिपेंड करता है सो so, आप खुद अपनी वैल्यू बनाते हो आप खुद अपनी रेपुटेशन सेट करते हो सो इट इज़ नॉट द टाइप ऑफ कंपनी विच डिसाइड्स वेर अ सी एस वुड स्टैंड यू नो सो हाउ यू आर इन टर्म्स ऑफ नॉलेज हाउ स्ट्रॉग यू आर इन टर्म्स ऑफ यूर कम्युनिकेशन स्किल्स

प्राइवेट कंपनी फिर तो शेयर इशू ही नहीं कर सकती तो पैसा कैसे अर या मार डाल मेरे को मार डाल मार डाल मार डाल मेरे को प्राइवेट कंपनी क्यों शेयर्स इशू नहीं करेगी प्राइवेट कंपनी भी इशू करेगी ना लिमिटेड लोगों को प्राइवेट कंपनी में एक और रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि दो सौ से हारा को ऑफर भी नहीं दे सकती है पब्लिक में एटलीस्ट वो कंडीशन नहीं रहती बट दो तो दे सकती है ना अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स पर डिविडेंट मिलता है मैम डिविडेंट शेयर्स पे मिलता है ऐसा लिस्टेड अनलिस्टेड का कोई फंड नहीं मैं आपको क्या बोला चौदह लाख कंपनीज है भारत में और उसमें से दस बारह हजार कंपनीज लिस्टेड है तो बाकी की कंपनीज का क्या होगा ना दस बारह हजार के अलावा हा अदर कंपनी है पब्लिक और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है मुन्ना आगे का है थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं बापरे एच डी एफ सी प्राइवेट बैंक है शिट एच डी एफ सी इज अ प्राइवेट बैंक नहीं इट्स अ प्राइवेट सेक्टर बैंक है ना सो पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक पब्लिक सेक्टर कंपनी प्राइवेट सेक्टर कंपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एक ही डिफरेंस है गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट सो जिसमें भी गवर्नमेंट का स्टेक होता है है ना जिसमें भी गवर्नमेंट का स्टेक होता है उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक नहीं होता इंडिविजुअल हैंड्स में होती है प्राइवेट हैंड्स में होती है उसे हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर ओके ये समझ में आ रहा है सो so, अब ओ उसमें क्योंकि गवर्नमेंट का मेजोरिटी स्टेक है एसबीआई गवर्नमेंट का मेजोरिटी स्टेक है राइट right? uh, तो इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और पब्लिक सेक्टर कंपनीज जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक नहीं होता है उसे हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग इट हैज नथिंग टू डू विद प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी सिर्फ नाम सेम है वर्ड सेम है प्राइवेट पब्लिक बट यहां पे पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है गवर्नमेंट का कंट्रोल पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है गवर्नमेंट का कंट्रोल सो so जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट का कंट्रोल मतलब मेजोरिटी मेजॉरिटी गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो पब्लिक सेक्टर जहां पर मेजोरिटी प्राइवेट सेक्टर का प्राइवेट इंडिविजुअल हैंड्स का कंट्रोल है उसे बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर ठीक है चल हमें हाँ पता कैसे चलेगा कौन सी प्राइवेट कौन सी पब्लिक है ओ शिट रिया ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रही बच्चा नाम के आगे रहता है ना सफिक्स है ना प्राइवेट लिमिटेड रहता है तो प्राइवेट लिमिटेड है लिमिटेड रहता है तो पब्लिक कंपनी है है ना ऐसे क्यों कर रहे अपन लोग चलो एनी anyway, अपना टाइम हो गया बाकी अब सब आगे कंटिन्यू करेंगे है ना सो so, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बोला था ये आपके चार दिन के डेमोस थे है ना विच वी फिनिश्ड और अब आगे के जो भी लेक्चर्स होंगे वो आपके ऐप आप पे स्टार्ट होंगे सो so वंस आपकी एडमिशन फॉर्मेलिटीज जो भी रहती है वो आप कंप्लीट कर लें उसके बाद फिर अपन लोग अपने लेक्चर्स आगे अपनी क्लास की एप्लीकेशन पे कंटिन्यू करेंगे है ना चलो आई होप यू ऑल एन्जॉयड द डेमोस सो विपुल सरकार सुबह मॉर्निंग में खत्म हुआ ये मेरा सेशन यहाँ पे खत्म होता है है ना चिराग सर के दो और सेशन है एंड विल बी डन विद द डेमो लेक्चर्स फॉर दिस सेशन डिसम्बर ट्वेंटी जून ट्वेंटी जून ट्वेंटी सॉरी एंड या बाकी लेक्चर्स अपने आप पे कंटिन्यू करते हैं ठीक है थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर ऑल द ट्रस्ट फॉर ऑल द लव गॉड ब्लेस यू ऑल प्लीज टेक केयर बाय बाय। अच्छा हाँ यार ये किसी ने मेरे को मैसेज करे अगर एडमिशन का कुछ भी आपको पूछना है आप ऑफिस के नंबर्स पे कॉल कर लीजिए है ना डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा इसी लेक्चर के डबल एट डबल एट फाइव फोर फाइव फाइव फोर फाइव डबल एट डबल टू थ्री फाइव टू थ्री फाइव ठीक है तो थैंक तो 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 है। यू